सो गए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स लेना है। इस बॉक्स की जगह जो है मैं आपको एक बड़े बॉक्स में बैटरी वगैरह सब कुछ फिट करके जो है आपको मैं एक मिनी इन्वर्टर बनाकर दिखाने वाला था, लेकिन फिलहाल मुझे बाजार में कुछ सामान नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है मैं आपको इस बॉक्स में आपको इन्वर्टर बनाकर दिखा रहा हूँ। तो आपको कोई सा भी एक ऐसा बॉक्स ले लेना है। तो ये देखिए, इसमें मैंने कुछ मार्किंग भी कर दी हैं जहाँ पर कि हमें होल करने होंगे। तो यहाँ पर मैं होल कर लेता हूँ। और दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए होगी कि हमारी सबसे स्पेशल चीज़ चाहिए होगी जिसके वजह हमारा काम नहीं हो सकता, वो है ये इन्वर्टर किट जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी फ्लिपकार्ट से। तो इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो भी मैंने बनाया था, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये इसके जो है 12 वोल्ट डीसी के इनपुट के वायर हैं और ये इसके 220 वोल्ट जो हमें यहाँ से आउटपुट मिलेगा वो वायर है। तो ये किट जो है इसमें कोई भी ट्रांसफार्मर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये सीधा 12 वोल्ट से 220 वोल्ट एसी में जो है कन्वर्ट कर देता है। तो ये किट बहुत अच्छे हैं, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है बीच में हमें यहाँ पर एलईडी लगाने के लिए पॉइंट दिए गए हैं, तो बीच में हमें एलईडी का ग्राउंड लगाना है और इसके जो साइड पर देख रहे हैं वहाँ हमें एलईडी के पॉजिटिव वायर लगाने हैं, जो एलईडी हम यहाँ पर फिट करेंगे क्योंकि वो जो है हमारे इन्वर्टर ऑन ऑफ का इंडिकेट करेगा। और दूसरी चीज़ हमें समझनी है कि ये जो हमने बॉक्स लिए हैं उसके बीच में जो है हमें छोटे छोटे होल करने होंगे और इसके ऊपर भी होल करेंगे ताकि जो है हवा इनमें से आती रहे और हमारी किट जो है वो गर्म होके ख़राब ना हो। तो मैं फटाफट से यहाँ पर होल कर लेता हूँ और फिर मैं आपको इसके कनेक्शन जो है वो ठीक से समझाता हूँ। तो गाइस सबसे पहले ये देखिए, मैंने यहाँ पर होल कर लिए हैं कुछ इस तरीके से और ये रही हमारी इन्वर्टर किट जो कि इसके अंदर फिट हो जाएगी। तो इस किट को जो है आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन कहीं से भी। और इस बॉक्स के ऊपर जो है मैंने इस तरीके से होल्डर फिट कर दिया है और एक जो है सॉकेट फिट कर दिए हैं ताकि इसमें जो है बल्ब वगैरह लगा सकें, चार्जर वगैरह लगा सकें। और यहाँ पर दो एलईडी और एक स्विच लिया है ऑन ऑफ़ करने के लिए। तो इस स्विच को जो है मैं यहाँ पर लगा दूँगा कुछ इस तरीके से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी चीज़ हमें ये नहीं है, इस तरीके के क्लिप लेने हैं जो कि हम बैटरी के साथ अटैच करेंगे। तो आपको इसे ऐसे ही वायर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं फ़िलहाल जो है इसके अंदर आपको बैटरी नहीं फिट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे मार्केट में जो है कुछ सामान नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको इस तरीके से ये इन्वर्टर बनाकर दिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर मेरे सब कुछ सामान मिल जाए तो मैं आपको बनाकर दिखाऊँगा एक पर्सनल इन्वर्टर जो कि आप कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर जो हमने फिट किए हैं वहाँ पर भी वायरिंग करनी है। तो गाइस इसके मैं आपको वायरिंग फिर से दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ पर ये जो है दोनों वायर वो हमारे 12 वोल्ट इनपुट के हैं जो कि हम बैटरी से देंगे इसे यहाँ पर, ये दोनों। और ये दोनों वायर जो हैं हमारे वो 220 वोल्ट एसी के हैं जो कि 150 वोल्ट की ये जो किट है, तो 150 वोल्ट कर आपका जो सब लोड ये ले लेगा 150 वोल्ट तक। आप जो भी बल्ब वगैरह चलना चाहें मोबाइल चार्जिंग के लिए वो सब आप ले सकते हैं। और यहाँ पर हम इसके कनेक्शन करेंगे जहाँ से हम आउटपुट लेंगे एसी। तो इसके कनेक्शन आप आसानी से कर लोगे। और ये जो दो एलईडी हमने ली हैं वो एलईडी हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे जो कि हमारे इन्वर्टर ऑन ऑफ या फिर ओवरलोडिंग का जो है वो इंडिकेट करता है। तो इस एलईडी का जो वायर है वो हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। ये देखिए, ये जो यहाँ पर रजिस्टर लगे हुए हैं दो, वो हमारे जो है दोनों एलईडी के पॉजिटिव हैं और जो बीच में है वो हमारा ग्राउंड वायर है। ये वाला बीच में जो है वो हमारा ग्राउंड और ये दोनों पॉजिटिव हैं दोनों एलईडी के। दोनों एलईडी के जो ग्राउंड वायर हैं वो हमें बीच में कनेक्ट करने हैं और जो दोनों एलईडी के पॉजिटिव हैं वो हमें यहाँ पर कनेक्ट करने हैं। बस इतना ही इसके कनेक्शन है। और सिंपली ये जो किट आप इसमें लगा दीजिए, डायरेक्ट ही आप चला सकते हो बैटरी के थ्रू। तो फटाफट जो है इसके जो दोनों नेगेटिव हैं वो हम एक साथ कनेक्ट कर देंगे और इसके बीच में ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे और जो इनके पॉजिटिव हैं वो हम दोनों रजिस्टर पे लगा देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों वायर में से कोई भी एक वायर लेकर हम जो है इस स्विच के थ्रू उसे बाहर निकाल लेंगे ताकि स्विच के थ्रू हम इसे ऑन ऑफ भी कर सकें। और ये जो इसके वायर हैं वो हम ये क्लिप इसके साथ अटैच कर देंगे। तो ये देखिए गाइस, मैंने जो है आपको पूरा कनेक्शन समझाया था वैसे ही मैंने इसके कनेक्शन कर लिए हैं। तो अभी फ़िलहाल ये देखिए यहाँ पर जो एलईडी का ग्राउंड वायर है वो हमने दोनों एक साथ कनेक्ट कर दिए हैं
और वो यहाँ पर बीच में जो है हमने यहाँ पर कनेक्शन कर दिए हैं। अभी मैंने इसके एसी का वायर नहीं लगाए हैं और ये जो दोनों एलईडी के पॉजिटिव वायर हैं वो मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर दिए हैं कुछ इस तरीके से। और ये जो इसके आउटपुट के वायर हैं वो अभी ही मैंने नहीं लगाए हैं, बाद में लगाऊंगा। तो ये जो देख सकते हैं यहाँ पर इसके कनेक्शन यहाँ पर से जा रहे हैं और ये एक स्विच के थ्रू मैंने एक वायर बाहर निकाल लिया है। और ये जो हमारे जो ये 220 वोल्ट आउटपुट हमें मिलेगा जो कि 150 वोल्ट के हैं वो हम यहाँ पर अटैच कर देंगे, इससे कनेक्ट कर देंगे ये देखिए। तो अब इसके कनेक्शन जो सिंपल आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है अगर मुझे सारा सामान मिलता है तो मैं आपको एक बड़ा इन्वर्टर बनाकर दिखाऊंगा जिसे आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें बैटरी सोलर वगैरह सब कुछ इसके अंदर होगा, इसलिए आपको जो है बार बार बैटरी चार्ज भी नहीं करनी पड़ेगी और सब कुछ ले जाने में आपको आसानी होगी, कहीं भी आप उसे ले जा सकते हैं और चला सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम जो ये जो क्लिप हैं जो हमने ली हैं वो उसे यहाँ पर वायर के साथ अटैच कर देंगे, हम कनेक्शन कर देंगे इसके और इस जो किट को हैं वो हम इस बॉक्स में फिट कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें और अंदर ही बैटरी लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर छोटी बैटरी है 12 वोल्ट की तो वो लगाइए। मेरे पास जो फ़िलहाल जो है वो मैं आपको बाइक की बैटरी से जो है इसे चेक करके दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत हैवी वेट की होती है इसलिए हम इसके अंदर फिक्स नहीं कर सकते उसे। तो मैंने जो है ये इन्वर्टर किट को यहाँ पर जो है फिक्स कर दिया है और अब हम इसका ढक्कन भी लगा देंगे। गाइस ये जो है हमारा मिनी पोर्टेबल इन्वर्टर बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम जो है इसे देखेंगे कि ये वर्क करता है या फिर नहीं, मैं आपको पूरा रिव्यू करके दिखाऊंगा कि ये मैं पूरा लोड उठा पाएगा या नहीं। तो ये देखिए गाइस ये जो है हमारे 12 वोल्ट जो डीसी हमें देना है वो है और इसके पीछे कनेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको साफ साफ कनेक्शन दिख रहे होंगे। मैंने इसके अंदर और कुछ भी नहीं लगाया, आपको जैसे दिखाया वैसे ही इसके अंदर जो है सारे कनेक्शन करे हैं। तो अब मैं जो है इसका आपको जो है चेक करके भी दिखाऊंगा कि ये वर्क करता है या फिर नहीं, और यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो गाइस अब ये रहा हमारा इन्वर्टर और इसे चलाने के लिए हमें जो है 12 वोल्ट की बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई सी भी 12 वोल्ट की बैटरी ले सकते हो, तो मैं यहाँ पर ये 12 वोल्ट की बैटरी ले रहा हूँ। तो इसे हम जो है इसके अंदर फिक्स नहीं कर सकते, इसके अंदर बिठा नहीं सकते क्योंकि इसका बहुत हैवी वेट है, इसलिए मैं जो है आपको इसे ही बनाकर दिखाया जो कि आप घर पर इमरजेंसी के वक्त यूज़ कर सकते हैं इसे। और हाँ मैं आपको बता दूँ कि आप सिर्फ इसके 150 वाट तक ही इस पर लोड डाल सकते हैं, पर ज़्यादा लोड आपने डाला तो ये किट हमारी जो है वो ख़राब भी हो सकती है। तो ये देखिए गाइस अब मैं इसे कनेक्शन मैंने कर दी है इसका और जैसे ही इसे ऑन करता हूँ ये बहुत अच्छे तरीके वर्क कर रहा है। तो अब मैं आपको जो है यहाँ पर बल्ब भी इसे चला कर दिखा देता हूँ। ये जो है मेरे पास एलईडी बल्ब है 9 वाट का, तो उसे मैं चला कर दिखा देता हूँ। ये एसी बल्ब है तो ये देखिए गाइस ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। पर आपको ये गाइस ये वीडियो बिल्कुल भी फेक नहीं है, एकदम रियल वीडियो है। मैं आपको आगे भी टेस्ट करके दिखाता हूँ अगर आपको कोई भी लग रहा है कि ये फेक वीडियो है। तो गाइस ऐसा बल्ब तो कोई भी चला कर दिखा देगा, इसलिए मैं जो है आपको 60 वाट का ये जो बल्ब है वो चला कर दिखाता हूँ। ये देखिए तो इसे मैं आपको चला कर दिखाता हूँ कि ये वर्क करता है या फिर नहीं। तो गाइस अब मैं इसे जो है इस यहाँ पर फिक्स करता हूँ और जैसे ही मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ तो ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अगर आपको कैमरे में ठीक तरीके से नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये बहुत ब्राइट है और ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, कोई भी इसमें जो है कोई भी दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है गाइस ये देखिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को। तो गाइस ये देखिए मैं आपको फिर से ये एलईडी बल्ब भी जला कर दिखा देता हूँ ये देखिए। तो गाइस इसके लिए जो है एक लाइक तो बनता ही है। तो गाइस वीडियो वैसे भी बहुत लंबी बन चुके हैं इसलिए जो है मैं आपको सब कुछ इसमें चेक करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो अलग से डाल दूंगा या फिर एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसके ऊपर जो है हम इसके ऊपर अलग अलग लोड डालकर जो है चेक करेंगे क्या ये सोल्डर आयरन चला सकता है या फिर जो 100 वाट का बल्ब है या फिर 150 वाट तक जो भी चीज़ें हैं वो सारी चल सकती हैं या फिर नहीं चल सकती वो हम चेक करेंगे। तो गाइस इससे जो है आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इससे जो है मोबाइल चार्ज करके दिखा देता हूँ।
ये देखिए यहाँ पर मैं चार्जर इसमें लगा रहा हूँ, और ये देखिए इसका वायर यहाँ पर ही अटैच है, तो दूसरा कोई भी नहीं है, ये इसके थ्रू ही मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने इसका स्विच ऑन किया और जैसे ही मैं मोबाइल कनेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए ये परफेक्टली चार्ज हो रहा है। तो अभी मैंने जो है आपको सिर्फ मोबाइल चार्ज करके दिखा रहा हूँ और बल्ब जला कर दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको इसके ऊपर अलग अलग लोड डालकर इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे और देखेंगे कि ये कितने वाट तक जो है लोड उठा सकता है। तो आप इससे एक साथ जो है बल्ब भी चला सकते हैं और मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।